देश की सबसे चर्चित और यूपी की हॉट सीट पर शुमार रायबरेली आज कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बना दिया है। जी हां, अमेठी से केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए सीटों का फैसला करना आसान नहीं था। पिछले कई दिनों से इन सीटों पर उथल पुथल देखने को मिल रही है। कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी को मनाने में लगे हुए थे। अखिलेश यादव ने इस निर्णय में जबरदस्त भूमिका निभाई। ऐसे में राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि जब से गांधी परिवार के अंदर इन सीटों का विचार मंथन चल रहा था, तब से ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बात को लेकर परेशान थे कि 25 साल में पहली बार यूपी से गांधी परिवार का कोई नहीं लड़ने जा रहा है। आपको बता दें कि वह हमेशा से ही इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लगे रहे। उनका मानना था कि अगर यूपी से कोई भी गांधी परिवार कैंडिडेट नहीं उतरता है तो यूपी में इंडिया गठबंधन की संभावना और लोगों का गठबंधन पर विश्वास जीतने पर भी असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि उनका मानना यह भी था कि गांधी परिवार के यूपी से चुनाव न लड़ने पर इंडिया गठबंधन के साथ ही देश पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो वहीं पार्टी ने रायबरेली सीट से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाने में कामयाब रही। तो वहीं अमेठी सीट से केएल शर्मा का नाम फाइनल किया गया। आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण में चुनाव होने वाले हैं।